नमस्ते, मेरा नाम तनु है। मैं चेन्नई ताम्बरम में हूँ। अभी रिसेंटली 10th जून को मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्हें कोरोना हुआ था, पर स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चल पा रहा था ये क्या है। इवन वो हॉस्पिटल भी गए थे चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि ये नॉर्मल वायरल है और कोरोना के सिम्टम्स आने के लिए आपको 14 डेज वेट करना होगा। उन्हें एक नॉर्मल PCM का इंजेक्शन दे दिया, डोलो और कुछ और दवाइयाँ दी खाने के लिए, जो उन्हें सूट नहीं करी, जिसकी वजह से उनके कुछ स्टमक में इशू हो गया, वो खाना नहीं खा पा रहे थे। वेंसडे उनकी तबीयत ख़राब हुई है, फ्राइडे तक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, सेम सिम्टम्स, और डाउट क्लियर होता था कि ये कोरोना ही है। फिर भी हमने वेट करा सैटरडे मॉर्निंग तक। मेरे हस्बैंड बैंक स्टाफ है, तो उनके बैंक से फ़ोन आ गया कि और स्टाफ ने टेस्ट करवाया है, उन सबका कोरोना पॉजिटिव आया है, तो आप भी जाके टेस्ट करवाएं। मेरे हस्बैंड गए कोरोना का टेस्ट करवाने, उनका पॉजिटिव आया। मेरा क्लियर था, मैंने ही गई टेस्ट करवाने, क्योंकि हमारी 5 साल की छोटी बेटी है और जो भी टेस्ट करवा रहा है उसको डायरेक्टली एडमिट कर रहे हैं, तो अपनी बेटी को कहाँ छोड़ते, इसलिए मैं नहीं गई। मैंने किसी को शो नहीं करा कि मेरी तबीयत ख़राब है। संडे मैंने गुरुजी से बात की, उन्हें बताया कि मेरे हस्बैंड और हमें कोरोना हो गया है, तो गुरुजी ने मुझे दवाइयों का सेट बताया और उन्होंने मुझे दवाइयाँ भिजवाई। मंडे आफ्टरनून तक मुझे दवाइयाँ रिसीव हुई, पर उससे पहले ही संडे को मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसमें भी सेम सिम्टम्स। हम सबको 103-104 का बुखार था, बॉडी एक बहुत ज़्यादा था, कोल्ड कफ हो चुका था, टेस्ट बड्स जा चुके थे, बिल्कुल सर फट रहा था। तो मंडे आफ्टरनून से जो गुरुजी ने मुझे दवाइयों का रूटीन समझाया, हर घंटे कितनी डोज किस हिसाब से लेनी है, मैंने वो सब फॉलो करा। अर्क, घनवटी, भस्म, नासिका, क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक हफ्ते से तबीयत ख़राब थी, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, वो खाना नहीं खा पा रहे थे, उनको सांस की दिक्कत होना शुरू हो गई थी। नासिका ने मेरी बहुत हेल्प की। मंडे रात तक ही हम तीनों का फीवर उतर गया था। ट्यूसडे हम लोग बेटर थे, पर मेरे हस्बैंड जैसे बैंक स्टाफ हैं, तो बैंक सील हो गया, तो सबको यहाँ पता लग गया, सबने हमारी हर जगह कंप्लेन कर दी, हॉस्पिटलाइज होने के लिए बहुत फोर्स करा हमें। मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट करवाया था, वो ऑन पेपर्स पॉजिटिव थे, हमने नहीं करवाया और आस पड़ोस में किसी को हमारी तबीयत का पता नहीं चला, क्योंकि 2 दिन में ही मैं और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर भी हमने अपना रूटीन बिल्कुल वैसे ही फॉलो रखा जैसे मुझे गुरुजी ने समझाया। पर मुझे अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, क्योंकि लोगों ने इतना फोर्स कर दिया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सबसे हमें बहुत सारी कॉल्स रिसीव हुई, पैकेज बना रखे हैं सबने। पर मैंने प्राइवेट में ही एडमिट करवाया, क्योंकि गवर्नमेंट में कोई भी टेक केयर नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट में कोई पानी भी पूछने नहीं आ रहा था। अदर स्टाफ जो एडमिट हुए थे बैंक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन्होंने बहुत ही बैड रिव्यू दिया। हॉस्पिटल गए मेरे हस्बैंड, हमारा घर पीछे से सील कर दिया, इतनी लेट सील करा, इतनी लोगों ने कंप्लेन करी उसके बावजूद भी, और उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि हम तो अकेले हैं घर में माँ बेटी, हमें कोई दिक्कत हो जाए, हमें कहीं बाहर जाना हो, कोई बाहर हमारी असिस्टेंस के लिए नहीं था। मेरे नेबरहुड में एक लेडी है, उन्होंने मेरी हेल्प करी सामान लाने के लिए भी। हम, मैं और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थे। मेरे हस्बैंड जब एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल से आए, तो उनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि वो कोविड के वापस कोरोना ले चुके थे अपने अंदर वापस, जो वो ठीक हो चुके थे पहले। डॉक्टर्स ने उन्हें कोई दवाई नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर्स के पास कोई दवाई है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ उनको पेट में कुछ इंजेक्शंस दिए, क्योंकि उन्हें पेट में कुछ दिक्कत हो गई थी, ड्रिप चढ़ाई, विटामिन सी के टैबलेट्स दी दिन में एक बार, और मिनरल की टैबलेट दी। जब वो आए तो वो बहुत ज़्यादा वीक थे। जब वो आए तो मैंने फिर से वापस जो गुरुजी ने मुझे कोरोना की दवाई दी थी, मैंने सेम वही रूटीन उनका फॉलो करा। शाम तक मुझे वापस बुखार आ गया था, वापस कोविड के सारे सिम्टम्स आ गए थे दोबारा से। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से आए, वो घर में वापस कोरोना लेकर आए, तो हमने 2 दिन तक वही रूटीन सेम फॉलो करा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, हम तीनों के तीनों बिल्कुल परफेक्टली फाइन थे। मेरे हस्बैंड बल्कि 4 दिन बाद वापस गए हॉस्पिटल रीटेस्ट करवाने के लिए, और उनका इस बार नेगेटिव आया। सबने इतना ट्रबल किया, इवन हमें भी गवर्नमेंट की तरफ से आइसोलेट करने के लिए आ गए थे, एम्बुलेंस, पुलिस सब आ गए थे कि आप लोग चलो, लेकिन हमने ये गुरुजी की जो अर्क वगैरह, हमने सारी दवाइयाँ ली, हमारा बुखार एक बार भी नहीं आया। वो लोग बुखार ही सिर्फ टेस्ट कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। मैं और मेरी बेटी परफेक्टली फाइन थे, वो हमें फोर्स नहीं कर सके, क्योंकि मैंने उनसे गारंटी भी मांगी कि हम घर में बिल्कुल ठीक बैठे हैं, अगर हम तुम्हारे आइसोलेशन सेंटर जाएंगे, वहाँ पे कोई कोविड का पेशेंट हो, हमें कोरोना हो गया, तो मैंने बिल्कुल शो नहीं करा, क्योंकि बच्चे के साथ बाहर मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम था, इसीलिए घर में अपना सेफ थे हम लोग।
गुरु जी की सिर्फ दवाई दवाई से हम 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। जो अब के टाइम पे महामारी का इतना मीडिया ने हवा बना के रखा है, गुरु जी ने जो कोरोना की दवाई बनाई है सिर्फ 2 दिन में फर्क दिख गया था। हमारी वीकनेस सब चली गई थी। सिर्फ मेरे हस्बैंड ने पहले एलोपैथी कुछ मेडिसिन ले ली, उनके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे। पर जब वो बाद में उन्होंने अच्छे से दवाई और घर का खाना रूटीन सब फॉलो करा, जब उन्होंने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, उनकी रिकवरी हो गई। 1 हफ्ते में ही वो बिल्कुल ठीक थे। अब बल्कि महीना होने वाला है इस महामारी को हमारे घर आए, टचवुड अब कोई भी बीमार नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। 2 हफ्ते से तो मेरे हस्बैंड अब बैंक भी ज्वाइन कर चुके हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच।